बड़वानी में कोरोना का कहर जारी है, इसके बाद भी लोगों में डर नहीं है। 3 दिनों से लगातार मरीजों की संख्या में तेजी आ रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मास्क लगाना अनिवार्य है, अन्यथा दंड के साथ कार्रवाई की जाएगी। जिले में कोरोना संक्रमण का प्रकोप पिछले 2-3 दिनों से अब फिर बढ़ने लगा है। पहले जहां प्रतिदिन मरीजों की संख्या बहुत कम थी, अब पिछले कुछ दिनों से यह संख्या बढ़ने लगी है। बीते अक्टूबर माह में 50% गिरावट आई थी, वहीं इस माह में 15 नवंबर के बाद से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल ने बताया कि सरकार व प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करवाया जाएगा, साथ ही सैनिटाइजर व मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करवाया जाएगा। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। कोरोना को लेकर नए दिशा निर्देश मिले सर, किस तरीके की सख्ती बरती जाएगी और क्या समझाइश दी जाए? कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को लेकर जो शासन के दिशा निर्देश हैं उनका पालन कराया जाएगा, और मास्क और सैनिटाइजर के संबंध में जो पहले से अभियान चल रहे थे उसमें अभी बीच में थोड़ी सी शिथिलता आ गई थी और उसको और कसावट लाई जाएगी, जिससे कि जो शासन के जो निर्देश हैं कि हमारा पहला जो बचाव है मास्क ही वैक्सीन है, तो उसके तहत जो है कार्य किया जाएगा। सर, नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए कोई सख्ती बरती जाएगी? बिल्कुल सख्ती बरती जाएगी, जो शासन के जो अर्थदंड निर्धारित करे गए हैं उन नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध उनका अतिरिक्त किया जाएगा। सर, शहर की जनता को कोई संदेश देना चाहते हो, अपील करना चाहते हो? कोरोना के केसेस अभी लगातार बढ़ने शुरू हो गए हैं और कल भी जिले में काफ़ी केसेस आए हैं और भविष्य में भी ऐसा अनुमान है कि ये बढ़ेंगे और केसेस सभी जगह बढ़ने का ही ट्रेंड है, इसलिए और अधिक सावधान होने की आवश्यकता है। किसी तरह की लापरवाही जो है वो जानलेवा साबित हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।